नीट मामले में बड़े अपडेट के साथ बुलेटिन का आगाज करेंगे। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आ चुका है। काउंसलिंग पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार है। ग्रेस अंक पाने वाले फिर देंगे परीक्षा, ये एक बड़ा अपडेट। 1563 ऐसे छात्र हैं जिनको ग्रेस मार्क दिए गए हैं। 23 जून को 1563 छात्रों की दोबारा से परीक्षा होगी। यही मांग इन स्टूडेंट्स की तरफ से की जा रही थी जिनको पूरी उम्मीद कि वो बेहतर अंक ला सकते हैं, लेकिन ग्रेस मार्क्स की वजह से जिन लोगों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं उन्होंने बेहतर अंक पाए हैं। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला, इस पर भी याचिका दाखिल की गई थी। अब लीजिए, ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन छात्रों के हक में आ गया है। काउंसलिंग पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक से इनकार कर दिया है, लेकिन ग्रेस मार्क्स पाने वाले जो छात्र हैं उनको दोबारा परीक्षा देनी होगी। 1563 ऐसे छात्र हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। 23 जून को अब 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट परीक्षा मामले में लगातार धांधली का और बड़े घपले का जो आरोप लगाया जा रहा था उस पर सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में हर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आज जो ये फैसला आया है, काउंसलिंग पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, लेकिन ग्रेस मार्क्स पाने वाले अब फिर से परीक्षा देंगे, जिसके लिए तारीख भी बता दी गई है। 23 जून को 1563 ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों को दोबारा से परीक्षा देनी होगी। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं नीट परीक्षा से जुड़ी हुई। सुशील हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुशील, ये एक बड़ा अपडेट इस मामले पर, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि काउंसलिंग पर रोक से तो इनकार कर दिया है, लेकिन ग्रेस मार्क्स पाने वालों को अब दोबारा एग्जाम देना होगा, तारीख भी बता दी गई है, विस्तार से बताइए सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल की गई थी और उन तीनों याचिकाओं में ये मांग की गई थी कि जो पेपर लीक हुआ है उस पेपर लीक में परीक्षा को रद्द किया जाए, काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए और एक एसआईटी का गठन किया जाए जो इस पूरे मामले की जांच करे। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एनटीए की तरफ से जवाब दाखिल करते हुए ये बताया गया है कि एनटीए की समिति ने बच्चों के डर को दूर करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें पहला फैसला उनकी तरफ से कहा गया है कि जो 1563 छात्र हैं जिन्हें ग्रेस मार्किंग मिली थी उनके स्कोर कार्ड को रद्द जाएगा और दोबारा इस पूरे मामले में परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा कराने की जो तिथि है वो 23 जून है और 30 जून तक इस पूरे परीक्षा का परिणाम आएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एनटीए की तरफ से कहा गया है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों की जांच को लेकर एक कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि काउंसलिंग पर भी रोक लगाने की मांग वकीलों के द्वारा उठाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने पहला बड़ा मुद्दा ग्रेस मार्क का है जिस पर पूरे मामले में हम सुनवाई को लेकर आगे बढ़ेंगे। काउंसलिंग पर फिलहाल अभी हम रोक नहीं लगाएंगे। तो जो दो बड़ी खबरें हैं वो यही है कंचन, की 1563 बच्चों के स्कोर कार्ड ग्रेस मार्किंग के आधार पर रद्द कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है ये छात्रों के हक में आया है। एक फटाफट से अपडेट दे दीजिए सुशील पांडे, जो जंतर मंतर पर आज धरने पर नीट परीक्षा के जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, उनके अभिभावक बैठे हुए हैं, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है वो क्या रिएक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर? क्या होगा ये तो फिलहाल जंतर मंतर पर बैठे अभिभावक बताएंगे। मैं चूंकि सुप्रीम कोर्ट में हूं तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से देखिए ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है क्योंकि तमाम छात्रों को ग्रेस मार्क को लेकर ही ये जानकारी मिलनी थी कि ग्रेस मार्क में बहुत ज्यादा बदलाव हुए हैं और ग्रेस मार्किंग की वजह से छात्रों के हितों से छेड़छाड़ की गई है। तो अब जिन छात्रों को ग्रेस मार्क मिला है उनकी पूरे स्कोर कार्ड को रद्द किया जाएगा और अगर जो छात्र इस परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं वो पुराने स्कोर कार्ड पर ही इंटरटेन किए जाए और ऐसे में नए स्कोर कार्ड ग्रेस मार्क के आधार पर तय किए जाएंगे जिसका परीक्षा परिणाम 30 जून को आएगा। तो निश्चित रूप से अभिभावकों को कहीं ना कहीं एक राहत जरूर मिलेगी। मेरे सहयोगी सुशील पांडे, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट से इस समय जानकारी हमें दे रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर ये जो फैसला आया है सुशील पांडे, ये छात्रों के हक का फैसला आया है। जंतर मंतर पर ही नहीं बल्कि देश भर में हमने देखा कि नीट परीक्षा के इस मामले में धांधलेबाजी का आरोप लगाया, सरकार को विपक्ष ने घेरा, सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दी गई, याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जो फैसला आया है उस पर हम देख रहे हैं कि अब छात्रों के हक में यह फैसला आया है। लेकिन एनटीए जो लगातार स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब दे रहा है, प्रेस रिलीज भी उनकी तरफ से की गई थी, उनका आज क्या रोल रहा सुप्रीम कोर्ट में? चूंकि आप इस समय सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हमें जानकारी दे रहे हैं तो आप बेहतर बता सकते हैं कि यहां पर हक और दूसरी तरफ से, मतलब एनटीए ने अपना पक्ष कैसे सुप्रीम कोर्ट में रखा है।
जी देखिए, एनटीए की तरफ से ही ये पक्ष रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष और ये एनटीए का ही निर्णय लिया गया है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी देते हुए कहा है कि कल इस पूरे मामले में एक बड़ी बैठक हुई और छात्रों का जो डर है उसको दूर करने के लिए एनटीए हर प्रयास कर रहा है और उसी दिशा में 1563 बच्चों के स्कोर कार्ड जिनको ग्रेस मार्क के तहत मिले हैं उनको रद्द किया गया है। एनटीए की तरफ से कोर्ट में ये भी जानकारी दी गई है कि एक कमेटी बनाई गई है जो इस दिशा में जांच कर रही है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दो मामले पेंडिंग हैं जिसमें पेपर लीक का मामला है और जिन सेंटर पे बच्चों ने टॉप किया है उन पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराई जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों मामलों में एनटीए को नोटिस जारी किया है जिस पर जवाब मांगा गया है। 8 जुलाई को उन दोनों याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, लेकिन एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी गई है और ये कहा गया है कि एनटीए भी बच्चों के भविष्य को लेकर बिल्कुल चिंतित है और इसीलिए बच्चों के भविष्य के लिए हर वो प्रयास करने के लिए एनटीए तैयार है और उसी दिशा में ये उठाया गया बड़ा कदम है। मतलब एनटीए बैकफुट पर आया है एक तरह से देखा जाए तो, सुशील पांडे? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से एनटीए की तरफ से उठाया गया ये बड़ा कदम है जिस मामले में ये बड़ा फैसला लिया गया है, कमेटी का गठन किया गया है जिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार सुनवाई के दौरान कहा था कि एनटीए की बिल्कुल जवाबदेही बनती है, तो एनटीए की तरफ से एक कदम आगे आकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तमाम बातें रखी गई हैं। लेकिन जो नोटिस जारी किया गया है पेपर लीक के मामले में और जिन सेंटरों पर बच्चे टॉप किए हैं उस मामले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगा कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं सेंटर्स पर बच्चों को एक ही तरीके के मार्क दिए गए हैं उनके पीछे की वजह क्या है, इन तमाम पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट बाद में विचार करेगा। लेकिन ग्रेस मार्क बच्चों को जो मिला था वो एक बड़ा विषय था सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज तस्वीर साफ की, यानी कि 23 जून को 1563 बच्चों का दोबारा एग्जाम करवाया जाएगा और उस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो 30 जून से पहले आएगा। ये फिलहाल उन बच्चों के लिए है जिनके ग्रेस मार्क मिले थे, अब उनके स्कोर कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। बाकी में इस बात को और भी ऐसे समझ सकते हैं हम कि जिस तरह से विपक्ष या सरकार को घेर रहा था सुशील, इसको इस एंगल से भी देख सकते हैं कि इस पर जो अब जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज सुनवाई हुई है उसमें छात्रों के हक में ये फैसला सुनाया गया है, तो विपक्ष का भी कहीं ना कहीं दबाव रहा है क्योंकि विपक्ष का भी यहां पर छात्रों को समर्थन मिल रहा था। क्या एक वजह यह भी हो सकती है कि छात्रों के हक में फैसला आया और एनटीए को बैकफुट पर आना पड़ गया? जी देखिए, फिलहाल विपक्ष का कितना दबाव रहा ये फिलहाल कहना मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरह से बच्चे फिलहाल सड़कों पर आए और बच्चों के द्वारा तमाम बातें सोशल मीडिया पर रखी गई, निश्चित रूप से एनटीए इस पूरे मामले में दबाव में था और क्योंकि एनटीए को निश्चित रूप से ये लग रहा था कि कथित गड़बड़ियां कुछ जगह जरूर हुई हैं, कुछ सेंटर पर ऐसे दिक्कतें हुई हैं जिनकी वजह से तमाम छात्र जो है वो सड़कों पर हैं और यही वजह रही कि जब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंचा कंचन और अदालत की तरफ से भी एक बड़ी टिप्पणी की गई और ये कहा गया कि परीक्षा की शुचिता के साथ ऐसा लग रहा है कि छेड़छाड़ की गई है, तब एनटीए ज्यादा दबाव में आया क्योंकि निश्चित रूप से देश की सबसे बड़ी अदालत के अदालत के समक्ष अगर कोई मामला आता है तो कहीं ना कहीं जो भी एजेंसी हो वो दबाव में होगी क्योंकि उसके समक्ष उनको अपना ऑन रिकॉर्ड बात रखना होता है और इसी वजह से एनटीए ने इस पूरे मामले में आनंद पांडे क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर से मौजूद है। देखिए 23 जून को परीक्षा कराई जानी है, बहुत कम समय रह गया है 23 जून को परीक्षा कराई को लेकर, इसके लिए कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन दी है सुप्रीम कोर्ट ने? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये विषय नहीं है कि वो गाइडलाइन बनाए, बनाना एनटीए का ये फिलहाल अपना काम होता है। एनटीए इस दिशा में आगे बढ़ेगी, अब एनटीए किस तरह से 23 जून को परीक्षा कराती है, परीक्षा आयोजित कराती है, ये उसका अपना विवेकाधिकार है। कंचन, बहुत शुक्रिया आपका सुशील पांडे जानकारी के लिए, तो हमारे सहयोगी ने विस्तृत जानकारी दी है। देखिए 3 याचिकाएं जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, तीनों पर हर एंगल से सुनवाई की गई है और जो फैसला निकल कर आया है ये देश में जो आज लाखों छात्र जो सड़कों पर मौजूद हैं, जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, उनके हक में ये फैसला आया है, उनके हक में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और 1563 छात्रों को अब 23 जून को परीक्षा देनी होगी। और आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। गाजियाबाद से आज बड़ी खबर आई जहां पर 3 मंजिला मकान में आग लग गई, 5 लोगों की जलकर मौत हो गई। इस मामले में पति पत्नी और बेटी समेत 5 लोग जिंदा जलकर जान गंवा चुके हैं, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, इलाज अस्पताल में इनका जारी है। मरने वालों में पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं, 2 बच्चे हैं। थाना लोनी बॉर्डर के इलाके में घटना घटी है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट के चलते घर में आग लगी, घर में खड़ी कार भी इसकी चपेट में आ गई, मकान के साथ साथ घर परिवार के लोग और ये गाड़ी जलकर नष्ट हो चुके हैं। पानी मारो,
व्यक्ति के घर पे आग लगी है और कुछ लोग फंसे हुए हैं। इसी सूचना पे थानाध्यक्ष एवं फायर सर्विस तत्काल मौके पर पहुंचे। वहां पे दो एक महिला और एक बच्चे को घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, क्योंकि वो फायर जो है पहला और दूसरे मंजिल में था, नीचे से फायर हुआ था, ऊपर के लोग वहाँ पर पहले और दूसरे मंजिल में ट्रैप हो गए थे। उसमें से 5 लोगों को बरामद किया गया है जो कि उस फायर एक्सीडेंट में उनकी कैजुअल्टी हुई है। उसमें बच्चे भी हैं, उसके बुजुर्ग भी हैं और बड़े भी हैं। तो देखिए, यूपी के कई शहरों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिनसे आप इन खबरों को और विस्तार से समझ सकते हैं। गाजियाबाद, झांसी, सिद्धार्थनगर, अमरोहा, आगरा, ये वो 5 जगह हैं उत्तर प्रदेश की जहां पर लगातार आग की खबरें सामने आ रही हैं। गाजियाबाद की खबर आपको हमने अभी दिखाई जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की जलकर मौत हो गई है। मरने वालों में एक पुरुष, 2 महिला, 2 बच्चे, भरा पूरा परिवार। न सिर्फ घर परिवार के लोग, घर की गाड़ी जलकर नष्ट हुए, आसपास के लोग सकते में आ गए। सिद्धार्थनगर से दूसरी खबर आई जहां पर आग की घटना से भारी नुकसान हुआ है। झांसी के मठ गांव में खेत में आग लग गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सिद्धार्थनगर में हीट वेव के कारण कबाड़ के लदे हुए ट्रक में आग लगी है, सारा सामान जलकर राख हो गया। आगरा में तो आप देखिए, चलती कार आग का गोला बन जाती है। कार सवार लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाई है। 3 लोग कार में सवार थे जिन्होंने समय रहते कार से छलांग लगाई और उनकी जान बच गई। अमरोहा में कॉटन कारखाने में भीषण आग लगी, हड़कंप मच गया पूरे इलाके में, लाखों का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट भी यहां पर वजह बताई जा रही है आग लगने की।